ललन सिंह के पास वो काबिलियत है जी। जनता दल यूनाइटेड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है, जो लोकतंत्र के नाम, जो लोकतंत्र के नाम पे घर बनाकर बैठे हुए हैं लोग। जो मैसेज पार्टी को जाना चाहिए कि पार्टी सब जात का है, सब जात का जदयू का पार्टी बना। हाँ है, ये है, शुरू से है आज तक है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज, मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। जदयू का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष अब ललन सिंह बन गए हैं। आपको बता दें कि आरसीपी सिंह के स्थान पे ललन सिंह को पार्टी का कमान सौंपा गया है। इस वक्त दिल्ली के जंतर मंतर स्थित पार्टी के राष्ट्रीय मुख्यालय में यहाँ पे कुछ लोग हैं, जदयू से जुड़े हुए लोग हैं। इनसे जानेंगे कि क्या ललन सिंह को बनाने से क्या जदयू को कुछ फायदा होने वाला है। आप लोग विधानसभा चुनाव लड़े, उसके बाद आरसीपी सिंह को कमान सौंपी गई, अब ललन सिंह को कमान सौंपा गया है। देखिए, हम लोग तो विधानसभा के चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ थे जी, लेकिन ललन सिंह के पास वो काबिलियत है जी, तो पार्टी में, पार्टी के लिए आज तक जो काम उन्होंने किया है, और नीतीश कुमार के लिए भी, और खास करके जदयू पार्टी के लिए, वो बहुत ही सराहनीय रहा है। और नीतीश कुमार को बहुत ही विश्वास पात्र रहे हैं, उसे कार्यकर्ताओं में भी उल्लास है, दिख रहे हैं सारे लोग जो आए हुए हैं, सारे लोग नारा भी लगा रहे हैं, तो कार्यकर्ताओं में भी उल्लास है। और संगठन मजबूत हो, इसके लिए वो आगे क्या करते हैं इस पे भी देखा जा सकता है कि वो आगे के लिए क्या कर सकते हैं। चलिए, लेकिन आरसीपी सिंह के जगह पे ललन सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया, ये इस बात का प्रतीक है कि जनता दल यूनाइटेड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है, जो लोकतंत्र के नाम, जो लोकतंत्र के नाम पे घर बनाकर बैठे हुए हैं लोग, जो कि आरजेडी है चाहे समाजवादी पार्टी है, ये लोकतंत्र के नाम पे घर बना के बैठे हुए लोग। अच्छा, तो आज जनता दल यूनाइटेड ने ये साबित कर दिया कि चाहे अगड़ा हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे दलित हो, चाहे सवर्ण हो, चाहे भूमिहार हो, कोई भी यहाँ काम करे, मेहनत करे, संगठन करता रहे अच्छे से, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ललन सिंह को बनाने से फायदा नहीं होगा। देखिए, फायदा नुकसान तो आने वाला दौर तय करता है। अच्छा, जब पार्टी चुनाव में जाती है। अभी उसको कैसे तय कर लेंगे? अभी तय नहीं किया, अभी तय नहीं किया, लेकिन ये बहुत अच्छा कदम है और स्वागत योग्य कदम है, स्वागत योग्य कदम है। देखिए, और भी कुछ लोग हैं, आप लोग खुश हैं ललन सिंह से? हम लोग इसलिए खुश हैं कि समता पार्टी के निर्माण के दिनों में ललन सिंह का जो योगदान है पार्टी में, बिहार पार्टी जानती है। अच्छा, और नीतीश कुमार और ललन सिंह मिलकर बिहार पार्टी को उस समय भी काफ़ी मजबूत किए थे, और इस बार जो जिम्मेवारी मिला है पूरा बिहार और राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी मजबूत होगी। जी, आप कहाँ के रहने वाले? हम पूर्वी चंपारण मोतिहारी के रहने वाले। ये बताइए, आरसीपी सिंह के जगह पे बनाया गया है ललन सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष? नहीं, आरसीपी सिंह जी को मंत्री बना दिया गया है, इसलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष इनको बनाया गया है। बनाया गया है, आप लोग खुश हैं? हाँ, खुश हैं, खुश हैं। कहा जा रहा था कि उपेंद्र कुशवाहा को बनाया जाएगा। नहीं, तो पार्टी का आला कमान का माननीय मुख्यमंत्री जी का, यानी कि जो आदेश होगा वो सर्वमान्य है जी सर, यानी कि आप लोग खुश हैं इस फैसले से? खुश हैं हम लोग। ये बताइए, ललन सिंह भूमिया जाति के एक नेता को बनाया गया है जदयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष, जी खुश हैं? बिल्कुल खुश हैं हम लोग, पार्टी का जो भी निर्णय है उसे हम लोग खुश हैं, पार्टी के साथ, पार्टी के आप लोग साथ हैं। क्या कहिएगा, ललन सिंह को बनाया गया है? हम तो इतने कहते हैं कि पार्टी का ये मास्टर स्ट्रोक है, मास्टर स्ट्रोक है। हाँ, मास्टर स्ट्रोक है, क्योंकि ललन जी समता पार्टी के टाइम से इस पार्टी के संस्थापक हैं जी, सब दिन पार्टी के लिए समर्पित तो लोग हैं। अच्छा, और इससे बड़ा बात है कि जो मैसेज पार्टी को जाना चाहिए कि पार्टी सब जात का है, सब जात का आप जदयू का पार्टी बना। हाँ है, ये है, है, शुरू से है आज तक है। अच्छा, सब जात का पार्टी है। हाँ, है, अगड़ा पिछड़ा सब जात का पार्टी है, अगड़ा पिछड़ा सब जात का जी। आप काफी मुस्कुरा रहे हैं, सुन रहे हैं, सुनने के बाद मुस्कुराइएगा। क्या रोए कहा कौन? क्यों मुस्कुरा रहे हैं बताइए ना। सब लोगों का स्टेटमेंट है, खुशी का बात है, खुशी का बात है भाई, जात पात से हट के सभी जाति को लेकर, सभी जाति को नीतीश कुमार अगड़ा खुश भी है, लोग खुश। लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत लोग कहता था कि भाई समाजवादी पार्टियों में, जो समाजवादी धड़े की जो पार्टियां हैं उनमें कोई दूसरी जाति का व्यक्ति नहीं बन सकता, लेकिन आज जनता दल यूनाइटेड ने अपना एक सवर्ण समाज से भूमिहार समाज के आदमी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना के ये साबित करने का काम किया है कि लोकतंत्र और समाजवादी होने का मतलब ये नहीं होता है कि अपनी कुर्सी अपने बेटे को दे दें, अपनी पत्नी को दे दें, बजाय इसके कि वो किसी और व्यक्ति को दो दे जो कि मेहनत कर लिया, जो काबिल हो। चलिए, यही जॉर्ज साहब का सपना था, यही चंद्रशेखर जी का सपना था, और यही लोहिया का सपना था, यही कर्पूरी ठाकुर का सपना था, यही जगदेव प्रसाद का सपना था, जिसको नीतीश कुमार आज बखूबी जो है निभा रहे हैं, और जनता दल यूनाइटेड जो है उस विचारधारा को लेकर आगे बढ़ रही है। चलिए, तो देखिए कि यहाँ पे जितने लोग हैं
वो साफ साफ कह रहे हैं कि नीतीश कुमार का जो फैसला है वो सर्वमान्य है और उससे पार्टी को फायदा होगा। दिल्ली से सौरभ राज, लाइव सिटीज़।